हे हाय कैसे हो। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहे थे वेयर इज़ माई ग्लासेस, मेरे चश्मे कहाँ पे हैं, अभी तक नहीं आए लेंसकार्ट से। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है 20 तारीख और 20 अप्रैल की 20 तारीख है आज, 20 अप्रैल की 20 तारीख होगी। कल मैं गया था सागर भाई के पास, चश्मा लेकर आ गया हूँ और अभी जो मेरी आँखें अजीब से लग रही हैं वो मैं नींद से उठाओ तो ऐसी लग रही हैं। तो चलो आपको डिटेल में खतरनाक रिव्यू देते हैं बढ़िया वाला और आपको पहन कर दिखाते हैं चश्मा लग कैसा रहा है। आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। पहले तो चश्मा दिखाऊंगा आपको सारा सीन, उसके बाद मैं निकलूंगा मेहदावल के लिए। सुबह अभी निकलूंगा, शाम को मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, मेरा मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है कब जाऊं, बिकॉज धूप है बाहर। देखो मौसम देखो कैसा हो रखा है, कड़कती धूप हो रखी है। अभी का 9 बज रहा है, अभी तो 9 बज रहा है यार, इतना धूप कहीं हो रखी है। तो आ जाओ मेरे साथ। ओके सो वी गॉट 2 बॉक्सेस हमारे चश्मे के लिए, हमने एक्स्ट्रा मांग लिया था उनसे तो ये हमें एक्स्ट्रा मिल गया था और सागर भाई को भी। हाँ मैं पूरा सीन समझाता हूँ। अब देखो सीन इज दैट कि जब मैं चश्मा लेने गया तो पूरा जो चश्मा था वो महंगा आ रहा था, मतलब 3000 तक जा रहा था, 3,500 चला जा रहा था। तो मेरा दिमाग खराब कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मुझे दूसरा दुकान देखना पड़ेगा। फिर जो चमत्कार मेरे साथ हुआ, उन्होंने कहा, मतलब हमने देखा कि वहाँ गोल्ड मेंबरशिप पे एक के साथ 2 फ्री है, मतलब एक के साथ एक और मिल जाएगा आपको, 2 हो जाएगा, मतलब उतने ही में 2 मिल जाएगा। तो हमने कहा भैया गोल्ड मेंबरशिप लगाते हैं, तो हमने गोल्ड मेंबरशिप ढूंढना चालू किया। अब गोल्ड मेंबरशिप ढूंढना चालू किया तो मेरे पास तो मिली नहीं, लेकिन जब हम गूगल पे से कुछ पे करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑफर्स और मेंबरशिप्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको भी पता होगा। तो उसमें मेरे में तो नहीं था, लेकिन सागर भाई में वो चीज़ थी, उनके में गोल्ड मेंबरशिप थी। जब उनके में गोल्ड मेंबरशिप मिल गई, अब देखो बात क्या है कि लेंसकार्ट का जो 3,500 का सब कुछ जा रहा था मेरा लेंस लेके और सब कुछ लेके, वो अब उतने में ही 2 हो गया था, मतलब उससे कम में ही 2 हो गया था। तो गोल्ड मेंबरशिप लगाने के बाद दाम भी घट गया, 1600-1700 के करीब आ गया टोटल मेरा जो 2 चश्मे होने थे। तो एक चश्मा मैंने सागर भाई को गिफ्ट कर दिया जो कि सनग्लास था, और एक मेरा जो है वो मैंने ले लिया। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा उसमें 1700 समथिंग हो रहा था, तो सागर भाई ने कहा कि भाई इतना रेट क्यों जा रहा है। तो उन्होंने ठीक है हम कुछ ट्राई करते हैं, तो उन्होंने कुछ अपने तरफ से वाउचर लगा दिया, तो वो 1400 हो गया, मतलब इतना सस्ता हो गया। तो मैं शौक है यार, सही है, सही चीज़ है यार, 1400 हो गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है अगर आप 100 रुपीज़ की वो लोगे, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस लोगे, कंपनी पे करेगी आपके जो टूटे फूटे गए बनवाने में। अब उसमें 1 साल की वारंटी भी दी गई है। वारंटी और इंश्योरेंस में डिफरेंस बता देता हूँ आपको, क्या सीन है, आप लोग कंफ्यूज हो गए, अरे वारंटी है तो इंश्योरेंस किस बात का, 1 साल का दोनों की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वारंटी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो होते हैं इनके, वो आप जाके उस पे वेबसाइट पे पढ़ना आपको मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब फेड हो गया, अभी मैं चश्मा दिखाऊंगा जब आपको तो आपको समझ में आएगा। मान लो फेड हो गया, कोई स्क्रेचेस आ गए, कुछ मान लो उसमें दिक्कत आ गई जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तब आपकी वारंटी काम करेगी। और जब आपकी गलती से टूटेगा, मान लो गाड़ी से जा रहे हो, चश्मा गिरा, गाड़ी का पहिया चढ़ गया या टूट गया, गिर गए कहीं, तब अगर टूटता है तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। एक्सीडेंटल डैमेज में आपको खुद पे करना होता है, जो कि इंश्योरेंस आपको बचा लेता है। तो वो इंश्योरेंस भी करा लिया, तो 100 रुपीज का है, कोई इशू नहीं है, मैंने करा लिया, कोई दिक्कत नहीं। सारी डिटेल हो गई ना, मैंने आपको बता दी। हाँ कुछ डिटेल और बाकी है, जो कि है कुछ ऐसी कि भैया जब आप लेंसकार्ट स्टोर जाओगे ऑफलाइन स्टोर, तो वहाँ पे आपको लेंस चूज करना होगा और फ्रेम चूज करना होगा, फिर आपके आई चेकअप होगा, देन आपको सेलेक्ट जब कर लोगे सब कुछ, आई चेकअप भी हो गया, नंबर्स आ गए, तो वहाँ से आपको चश्मा नहीं मिलता है। वो चश्मा वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं लेंसकार्ट वेबसाइट पे, सब कुछ सेलेक्ट करवाने के बाद, वो अपना तरीका उनका होता है, वो 7 दिन बाद आता है, मेरा भी 7 दिन बाद 8 दिन बाद आया था। तो ये पूरा प्रोसेस वो बनकर आता है एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि लेंसकार्ट स्टोर पे आप जाओगे और ऐसा करोगे खड़ा होकर और फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी, 3D में मारोगे हो जाएगा। 3D वाला ऑप्शन मुझे वहाँ नहीं मिला था मेरे स्टोर पे गोरखपुर वाले, पता नहीं और जगह होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ नहीं मिला था। तो ये पूरी जानकारी है और 7 दिन तो मुझे लगता है देना पड़ेगा, और पता नहीं किसी और स्टोर पे या दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह पे तुरंत मिल जाता हो, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन मेरे यहाँ पे गोरखपुर में मुझे ऑनलाइन उन्होंने ऑर्डर किया था, वो सब सेलेक्ट करवाने के बाद सब कुछ सेंड कर दिया था उन्होंने, लेंस जितना भी मेरा पावर वावर है, जितना भी मेरा पावर वगैरह है और सब कुछ। आपने वीडियो देखा होगा अगर तो आपको पता होगा, मेरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी ज्यादा बकवास ना करते हैं, चश्मा दिखा देते हैं, मोस्ट अवेटेड थिंग हो गई, चलो आ जाओ।
सोचा आपको फुल सिनेमेटिक स्लो मोशन में दिखाऊं, लेकिन चलो यार छोड़ो, स्लो मोशन क्या दिखाऊं, डायरेक्टली दिखाता हूं। तो ये है बॉक्स पहला जिसमें मेरा चश्मा है, और ये है जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था। अब इसको पहले खोल देते हैं। तो ये बहुत ही प्रीमियम इंटरेस्टिंग बॉक्स है, और इसके अंदर मैंने अपना रखा है ये कपड़ा। प्रीमियम क्वालिटी का कपड़ा है, इसकी इस पर आप लेंसकार्ट की ब्रांडिंग भी देख सकते हो। दो कपड़ा मिला था दोनों बॉक्सेस के साथ, तो एक देवांश ने हड़प लिया अपने मैकबुक के लिए, क्योंकि उसका कहना है कि ये कपड़ा मैकबुक बहुत अच्छे से साफ़ करता है। मैंने कहा भाई, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मत ले भाई मत ले, मुझे नीड पड़ेगी, बट नहीं माना, वो हड़प लिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ले ले मेरे भाई। तो उसने ले लिया। उसके बाद फिर इसको साइड में रखते हैं। तो अब इसकी बारी है, तो इसको हम करेंगे आराम से ओपन। तो इसको ओपन करके हमें ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी, हम ट्राइपॉड लगा देते हैं। द क्वालिटी ऑफ दिस बॉक्स इज़ रियली ऑसम, इतना प्रीमियम लगता है। इस पर मैच फिनिशिंग दी गई है, और इसको ज़्यादा वेट नहीं करते हुए हम ओपन कर देते हैं। ओहो हो, देख सकते हो सामने मेरा चश्मा एकदम मस्त चमक रहा है, खतरनाक। जो कलर है हमने जब चूज़ किया था, तो भाई साहब मैंने इसको इसलिए चूज़ किया बिकॉज मैं बहुत दिन से पक गया था नॉर्मल चश्मे पहन पहन के। अब मुझे नीटली कुछ बड़ा, कुछ इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा स्टाइलिश, तो ये वाटर कलर मुझे बहुत पसंद आया विद दिस गोल्डन फ्रेम। अब ये जो गोल्डन साइड साइड में गोल्डन आपको दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है जब आप इसको पहनते हो। मैं पहली नज़र में इसको पसंद कर लिया था, दैट्स व्हाई मैंने इसको ले लिया। अब हाय, कैसे हो? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब देखो क्या सीन है। अच्छा तो बताओ लग कैसा रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें, क्योंकि हर इंसान जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने कमेंट नहीं करके बताया मुझे कैसा लग रहा है, तो नाइंसाफी हो जाएगी। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर दबाना, बिकॉज नीडेड है, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है इस चश्मे को पाने के लिए। मैंने काफ़ी साल लगा दिए, 3 सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं चश्मा घिस गया था, मैं सोच रहा था अरे ले लूँ, अब ले लूँ, अब ले लूँ, अब कुछ बढ़िया ले लूँ, लेकिन मतलब नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। तो बहुत लोगों के लिए छोटी बात होगी, बट मेरे लिए बड़ी बात है, बिकॉज ऐसी छोटी छोटी खुशियों में मैं बहुत खुश होता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है सब चीज़ें करना, और लाइक क्या ही बताऊँ, मतलब आई लव दिस फ्रेम, आई लाइक दिस फ्रेम, एंड मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा, सारी डिटेल मैंने आपको बताई दी है, और लुक वाइज भी फोटो वोटो डाल दूंगा। अभी फोटो कोई नहीं डाली है, फोटो वोटो डाल दूंगा कुछ दिन में। और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, एंड हर तरफ से देख लो। ये फ्रेम हो गया, ये वाला ये हो गया। अभी तो मुझे बाल बाल कटाना बाकी है, और जाऊंगा फिर मेहतावल, वहां पे जाने के बाद फिर संदीप की शादी है, विकास की शादी है 24 तारीख को। लॉकडाउन का सीन हो रहा था, कल पता चला कि भैया 26 को लॉकडाउन लग जाएगा 26 तक, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं क्या जाऊंगा, पता नहीं कैसे जाऊंगा मेहतावल, लेकिन अभी ठीक है, अभी योगी जी ने कह दिया भैया लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो अपन जा सकते हैं। तो अभी जाने का प्लान था, लेकिन अभी धूप है तो मन नहीं कर रहा, शाम तक प्लान करता हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इसलिए बंद कर रहा हूँ इस ब्लॉग को, क्योंकि अगर मैं मेहताल निकलता हूँ तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको यहाँ बंद कर देते हैं, और लंबा ना करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, और मेहताल वाला ब्लॉग अलग से दिखा देंगे, ठीक है? तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। चलते भी के लिए बाबा गजन बी वॉर फ्रेंड बी वॉर बी वॉर लाइक इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, बिकॉज फोटोज वहीं डालूंगा हर तरह से, मतलब लेंसकार्ट को टैग मारूंगा, और जाके टैग मारो लेंसकार्ट को हर जगह से भैया। समझ गए ना, समझ गए।